यही बात मैंने परसों की स्पीच में कही थी कि कंपनी वालों समझ जाओ, अगर तुम नहीं समझे हुकूमत बनने वाली है 4 अक्टूबर के बाद जो है मैं तुमको निपट लूंगा। तो पता है क्या किया बीजेपी आईटी सेल ने, क्या किया उन्होंने सब कुछ को कमरे कमरे का काट के ये कहा कि सजाद अहमद किसरो ने हिंदुओं को धमकी दी कि इनका काम है, हम कितने सेकुलर हैं हमें इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हमारी हिस्ट्री जो है, हमारी सियासी हिस्ट्री जो है वो एक खुली किताब की तरह 50 साल से हम किश्तवाड़ में हैं। हम कितने खंडल हैं ये पूरा किश्तवाड़ जानता है। मैं बार बार ये कहता हूं, मैंने आपसे भी अपील की कि भाई ये एक खून का गुलदस्ता है, भाईचारा है, हजारों साल से हम इकट्ठे रह रहे हैं, हमने इस भाईचारे को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है। जाए ले जाए, ये बने यही एमएलए बने, यही मिनिस्टर बने, हम हारना कबूल करेंगे मगर भाईचारे को हम फिर कहीं पहुंचने देंगे। ये दिल्ली से लाएंगे यहां हमको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये गुजरात से लाएंगे वो हमको तोड़ने की कोशिश करेंगे, ना बाबा ना, लोगों को समझ आ गया है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ ये किस्सा कुर्सी का है और कुछ भी नहीं।